व्यूअर्स, आपने बहुत से घर हमारे चैनल पे देखे होंगे जो कि इस तरह के डिज़ाइनर होते हैं जिसमें ट्रिपल हाइट्स होती हैं, लेकिन आपको वो कुछ ज़्यादा मुनासिब रेंज के अंदर नहीं मिलते। व्यूअर्स, ये सात मरले का घर फुली डिज़ाइनर और ट्रिपल हाइट के साथ हमारे पास आ चुका है एक बहुत ही रीज़नेबल डिमांड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल इस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आज एक बहुत ही लग्जरियस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोगों को लेके आ चुके हैं जो कि कैटेगरी है, यानी बिल्कुल ही सामने इसके पार्क मौजूद है और बहरी टाउन फेज 8 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर बिल्कुल ही साथ कमर्शियल, बिल्कुल ही साथ मस्जिद और इस तरह की दीगर अमेनिटीज वाले एरिया में बना हुआ है। व्यूअर्स, डिमांड से ही बात स्टार्ट की थी तो डिमांड की बात कर लेते हैं। तो 2,70,00,000 रुपया, जो कि बहुत ही मुनासिब डिमांड है कंसिडरिंग के इस घर के वॉशरूम के अंदर बाथ टब भी आपको मिल जाता है, बहुत एलिगेंट सीलिंग वर्क मिल जाते हैं और बहुत ही एक्सक्विजिट फिनिशिंग इंप्लीकेशन मिल जाती हैं, आपको यह घर मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन व्यूअर्स सेम है जैसे सारे टाउन हाउस की यहां पे बनी होती है। अभी आपको पोर्च एरिया की बात करें तो आप डेढ़ गाड़ी यहां पे खड़ी कर सकते हैं, लेकिन पोर्च के साथ ही थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस या लॉन्ड्री सेटअप भी आपको मिल जाता है। व्यूअर्स, जल्दी से बढ़ते हैं इस खूबसूरत घर के अंदर और जाके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खूबसूरतियां छुपी हुई हैं। मरला के लग्जरियस बने हुए घर के अंदर और जैसे ही आप इस मेन डोर से एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे स्टेयर के इसके पाउडर एरिया है, लेकिन उसके ही ऊपर अगर आपकी नजर जाती है तो क्या खूबसूरत ओए होए फैक्टर है यहाँ पे, यानी वाव फैक्टर है, जो कि एक ट्रिपल हाइट आपको मिल जाती है और बहुत ही डिजाइनर फील्स के अंदर बड़े ही नॉर्मल और न्यूट्रल कलर पैलेट्स के अंदर आपको ये सारा का सारा घर मिल जाता है। व्यूअर्स, एक साल ये घर तकरीबन जो है यूज हुआ है, महीना वैसे यूज हुआ है लेकिन एक साल इसको बिल्ड हुए हुए हो चुका है। खूबसूरत किचन एरिया है व्यूअर्स और आपने देखा होगा कि इस तरह के डिजाइनिंग वाले घर हमारे चैनल पे आपने देखे होंगे 3.5-3 करोड़ रुपए के अंदर, लेकिन ये वाहिद घर है जो कि बहुत मिनिमल और बहुत नॉर्मल रेंज के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि एक वो बंदा जो कि नॉर्मल बजट के अंदर है, मीडियोकर बजट के अंदर है, वो भी डिजाइनर हाउस के मजे ले सके। व्यूअर्स, खूबसूरत इसका लेआउट प्लान है। सबसे पहले एंट्री के साथ ही आपको राइट साइड पर ऊपर जाने का रास्ता नजर आ रहा होगा, पाउडर एरिया मैंने आपको दिखा दिया लेकिन इसको भी जरा अंदर से एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख सकते हैं आपके किस तरह का ये बना हुआ है, छोटी सी स्पेस है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आपको मिलता है इसका ड्राइंग एरिया जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मंजी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आराम सुकून से आई है। ग्रिल्ड विंडोज हैं, खूबसूरत आपके पास बहुत ही डिसेंट सीलिंग वर्क है और राइट साइड पर एक वॉल पेपर भी इस वॉल पर लगा हुआ है। व्यूअर्स, इसको आप मजीद, वैसे तो स्लाइडिंग गेट यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन मजीद इसको आप बंद करके प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। बीच में व्यूअर्स आपके पास इस तरह का टीवी लाउंज है जिसमें स्टाइल वर्क बड़ा अच्छा यूज किया गया है, लेकिन खूबसूरत शैंडिलियर है और ब्लैक कलर के पंखे यहां पे लाइन में लगाए गए हैं ताकि कलर पैलेट्स या कलर न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन की जा सके। सामने की तरफ व्यूअर्स मीडिया वॉल है, एक स्लीक सी, कुछ ज्यादा है नहीं यहां पे बात करने को, लेकिन इसमें स्टोन सारा का सारा इस वॉल पे लगा हुआ है। बहुत बड़ा किचन और आपके पास एक मास्टर बेडरूम, यानी 4 बेडरूम का ये सिंगल यूनिट हाउस है तो मास्टर बेडरूम एक ग्राउंड फ्लोर पे है और ये है इसका व्यूअर्स खास चीज ग्राउंड फ्लोर की, यानी इतना बड़ा किचन आपको कनाल के घर में मिलता है जितना इस 7 मरला के घर में दिया गया है। अब आपको समझ आ रही होगी कि थोड़ी सी जो कॉम्प्रोमाइज्ड है स्पेस ड्राइंग रूम की वो क्यों है, क्योंकि ये किचन अकोमोडेट करना था। व्यूअर्स, चेक करें कि किस कदर खूबसूरत, किस कदर मैसिव स्केल के ऊपर यहां पर काम किया गया है। स्टार्ट में व्यूअर्स एक आइलैंड है आपके पास, कोरियन काउंटर टॉप यहां पे है, आप बच्चों को यहां पे चेयर्स डाल के इसको सर्विंग टेबल या डाइनिंग टेबल भी बना सकते हैं, छोटी सी स्पेस है आपके पास। आपके पास व्यूअर्स कैबिनेट्स पे अभी तक यानी बिल्कुल यूज नहीं हुई, ये देखें रुमाल शुमाल चढ़े हुए हैं और बहुत ही शाइनी मटेरियल में सारी की सारी कैबिनेट्स यहां पे ड्रॉ की गई हैं। HS का व्यूअर्स आपके पास हुड एंड हॉब है यहां पे, आपके पास बहुत जबरदस्त यहां पे टाइल वर्क है और ये जो स्पेस है यहां पे आपके पास डिश वॉशर रखने की जगह है या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी आप इसमें रख सकते हैं। पांडे तोड़ने वाला सेट ऑफ व्यूअर्स इस साइड पे मौजूद है, ये काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे बनाई हुई है और ये देखें ये पूरी की पूरी कैबिनेट्स की एक दुनिया है जहाँ पे आपने डबल डोर फ्रिज यहाँ पे रखनी है और इसके साथ ओवन्स जो हैं डॉलेंस के, वो आप ये ग्रिल ओवन है और ऊपर माइक्रोवेव ओवन है प्लेस्ड है। ऐ की है पाई जी, ये व्यूअर्स इसके अंदर टाके कपड़ा रखें, ये देखें स्टेनलेस स्टील के कितने कटलरी रैक्स हैं आपके पास थल्ले तक।
बैक साइड पे जो व्यूअर्स आपको मिलेगी ना इसकी गैलरी, जिस जो ये है लॉन्ड्री सेटअप, उसका गेट आपको घर के अंदर से यहाँ से मिलता है। तो व्यूअर्स ये व्यू है आपके किचन से सारे के सारे घर का, बहुत प्यारा एक मकड़ी की तरह यहाँ पे शैंडलियर प्लेस्ड है, ट्रेवेटाइन मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ऊपर की तरफ तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि खूबसूरत शैंडलियर लमक रहा है, और ट्रिपल हाइट जो दी गई है उसका व्यू आपको मिलेगा। अब ये ट्रिपल हाइट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि लाइट बहुत अच्छे से घर के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, तो घर की लाइफ काफ़ी इंक्रीज़ होती है। ये व्यूअर्स इसका मास्टर बेडरूम है, चेक करें कितना बड़ा सारा है, विंडो है एक, आपके पास वॉलपेपर मौजूद है, और सीलिंग वर्क भी इस तरह का यहाँ पे बड़ा डिसेंट रखा गया है, काफ़ी बड़ा कमरा है। ये व्यूअर्स इस, ओए क्या बात है, कितना बड़ा वॉशरूम है यार, वैनिटी अलग से, वार्डरोब का पूरा जहान इस साइड पर है आपके पास। ये देखें सरफ पड़ी है लेमन मैक्स, और ये क्यूबिकल है आपके पास, एक शॉवर ग्लास है जिसके साथ ये थोड़ा सा हल्का लगा हुआ है, लेकिन आपके पास एक मौजूद है चीज़। स्पेस बेसिकली आपको दिखानी थी कि काफ़ी बड़ी चौड़ी स्पेस है। व्यूअर्स अभी आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, फिर हमने सेकंड फ्लोर भी देखना है, जल्दी से मेरे साथ आएँ। व्यूअर्स एंटर होते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जो शैंडलियर आपके साथ साथ घूम रहा है ना यहाँ पे वो आपको नजर आ जाता है। इसके अंदर खूबसूरत बल्ब लगे हुए हैं जो कि वार्म लाइटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ काफ़ी रोशन यहाँ पे ब्रिज सेटअप में सारा का सारा थर्ड फ्लोर बनाया गया है। व्यूअर्स इधर की लेआउट प्लान की बात करूँ, ये वैसे अच्छा स्टेयर केस इन्होंने दिया है ताकि बंदा तिलक ना जाए, यहाँ पे आपने बस रेलिंग लगानी है। ये मीडिया वॉल है व्यूअर्स, छोटा सा एक लाउंज एरिया है, आपके पास एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम है, और तीसरा बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इस वॉल की बात कर लें तो यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त शैंडलियर या एक हैंगिंग लाइट है, लेकिन सारी की सारी वॉल जो है व्यूअर्स वो आपको मिलती है यहाँ पे स्टोन की बनी हुई, तो काफ़ी खर्चा एक्स्ट्रा यहाँ पे किया गया है। ये व्यूअर्स एक मास्टर बेडरूम हो गया। आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ ऊपर वाले फ्लोर में जो कि यहाँ पर है, इस कमरे का ज़रा आप एक्सपीरियंस करें। ये एक मास्टर बेडरूम है, खूबसूरत साइज़, बहुत डिसेंट सारा का सारा यहाँ पर काम, आपके पास ग्रिल्स लगी हुई हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, और ये चेक करें ये इसका स्केल हो गया, आपके पास कंसील्ड वार्डरोब एरिया हो गया, और ये वॉशरूम देखें सिर्फ जिसके लिए मैं लेके आया हूँ आपको। हो यूर सात मरला के घर के अंदर आपको बाथ टब मिल जाता है, ये जगूजी नहीं है, सिर्फ बाथ टब है, इसके अंदर बह के आपने नहाना है क्योंकि इसका जो शॉवर केस लगा हुआ है वो ऊपर लगा हुआ है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स वैनिटी सेटअप है जिसमें खूबसूरत कोरियन प्लेसिंग है, आपके पास वैनिटी मिरर है इस साइड पे, और एक कोनी सी चकोड़ी सी गली है जहाँ पे आपने जाके नहाना है, और राइट साइड पे व्यूअर्स कमोड भी यहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये बाथ टब भी व्यूअर्स सात मरला के घर में आपको मिल जाता है। ये वाला कमरा देख लेते हैं, इसमें अच्छा साइज का कमरा है, डिसेंट है, सीलिंग हाइट जो है वो 12.5-12 फुट की यहाँ पे रखी गई है, तो काफ़ी टॉल ये घर आपको फील होता है अंदर से। ये इसका एक और वॉशरूम है, वॉशरूम बड़े खुले खुले हैं यार, वैनिटी देखें कितनी स्पेस है आपके पास मूव अराउंड करने की, और बड़ी डिसेंट टाइल वर्क भी यहाँ पे किया गया है। ये सारा सिस्टम है। इसके साथ ही व्यूअर्स आपको एक और कमरा दिखाते हैं, ये तो आपने देख लिया सारा, ये पूरी वॉल ट्रेवेटाइन मार्बल और वो स्टोन वर्क है। अच्छा ये है व्यूअर्स वो कमरा जो कि फ्रंट साइड ऑफ द एलिवेशन पे आता है, इस पर काफ़ी लाइट आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर की तरफ आपको इसका सीलिंग वर्क नज़र आ रहा होगा, टेरेस में जाने का भी यहीं से रास्ता है, और इसका वॉशरूम लुका हुआ है इसके पीछे, ये देखें वॉक इन क्लोजेट, और उसके साथ व्यूअर्स ये वॉशरूम, यार वॉशरूम अगेन बहुत खुला, आपके पास बड़ा डिसेंट वैनिटी सेटअप है, लेमन मैक्स डिटोल पड़ा हुआ है, और बड़ा अच्छा लाइटिंग इन्वायरमेंट, और इस गली से जाके आपने शॉवर सेटअप तक जाना है। व्यूअर्स अब आपको इसका थर्ड फ्लोर एक दफ़ा दिखाता हूँ कि वो क्या साइंस है। बेसिकली थोड़ा सा अपलिफ्ट करके घर को, टॉल बना के घर को, इन्होंने एक और टीवी लाउंज की स्पेस यहाँ पे निकाली जो कि ये है आपके सामने, देखिए कितनी ज़बरदस्त स्पेस है। ये व्यूअर्स इसका टीवी लाउंज हो गया, इस पर सारा आर्टिफिशियल ग्रास लगा हुआ है, तो न्याणे आपके इधर खेल सकते हैं, हाँ बड़े लोगों ने बैठना है तो ये 3-4 पौड़ियाँ और चढ़ें और आप इस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एक और सिटिंग स्पेस या प्रेयर रूम या कुछ भी इस तरह का आप बना सकते हैं। बैक साइड पे भी छत पे जाने का रास्ता है, फ्रंट की छत पे जाने का ये रास्ता है, इधर भी स्टेप्स दिए गए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में आप छत पे भी आ सकते हैं।
तो ये एक डिज़ाइनर हाउस है व्यूअर्स, जिसकी डिमांड बहुत रीज़नेबल है। और अगर इस घर के आप विजिट्स प्लान करना चाहते हैं या घर को देखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करके इस घर की कोई भी डील बना सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।